In the circuit shown in the figure, K is open. The charge on the capacitor C in steady state is Q1. Now K is closed. At steady state, the charge on C is Q2. The ratio of charges Q1 upon Q2 is A option given है 3 by 2, B 2 by 3, C 1 और D 1 by 2. तो बच्चों देखिए, हमको ये क्वेश्चन दिया है, हमसे कहा जा रहा है कि हाँ यहाँ पे एक ईएमएफ लगा हुआ है, पहले की ओपन है उस समय इस पे चार्ज कितना जाता है Q1, जबकि क्लोज होगा तो इस पे चार्ज कितना जाएगा Q2. तो हमको Q1 और Q2 का रेशियो फाइंड करना है. तो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे व्हेन की इज ओपन, जबकि क्या है ओपन है. सोचिए बच्चों, जब ये की ओपन है तो इधर तो करंट जानी नहीं है, अब जो भी करंट जा सकती थी यहाँ जा सकती थी, लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या होता है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, तो यहाँ से कोई करंट पास होनी नहीं है स्टेडी स्टेट में. इसका मतलब इस सेल से अब कोई भी करंट नहीं निकलेगी. जब कोई करंट नहीं निकलेगी तो अगर इस पॉइंट को ए कह दें, इसको हम बी कह दें, इसको हम डी कह दें, इसको एफ कह दें, इसको जी कह दें, इसको एच कह दें, तो हम ये पाएंगे कि ए से एच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ई, तो बी से सी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा ई, क्योंकि जब कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है तो कैपेसिटर उतना ही वोल्टेज ले लेगा जितना उसमें बैटरी लगी हुई है. ठीक है, तो स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेडी स्टेट में चार्ज ऑन कैपेसिटर कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट तो कितना होगा भैया, तो चार्ज का फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो सी तो कैपेसिटी सी है, वोल्टेज कितना इस पे पहुंच जाएगा ई, क्यों, क्योंकि इस बैटरी से कहीं कोई करंट नहीं गई है तो जो वोल्टेज यहां है वही यहां हो जाएगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे व्हेन की इज क्लोज्ड, दो केस है ना, तो ये पहले वाला चार्ज आ गया इसको Q1 लिख लो और दूसरा आप केस शुरू करो व्हेन की इज क्लोज्ड. तो जब बच्चों की को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दो, जब आपने इसको क्लोज कर दिया तो क्या होगा, अब करंट फ्लो होगी भाई, कैपेसिटर से करंट नहीं जाएगी क्योंकि स्टेडी स्टेट में ये करंट को ब्लॉक कर देता है, डीसी के लिए अपना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट शो कर देता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है, लेकिन करंट इधर से तो जाएगी, यहां तो रेजिस्टेंस है, यानी कि अब करंट इस तरह से फ्लो होगी बच्चों, ऐसा. जब ऐसे करंट फ्लो होगी तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कैसे आएगा, तो इस कैपेसिटर पे अभी भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्यों, क्योंकि इस सर्किट से ये क्या होगा पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां प्रोड्यूस होगा बच्चों वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, तो हमारा काम है ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना. इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसकी करंट चाहिए, बिना करंट के नहीं हो सकता, तो इस करंट को मान लेते हैं ये कितनी फ्लो हुई आई, जब आई करंट फ्लो हुई ध्यान से देखो तो ये सारे रेजिस्टेंस क्या है आपस में सीरीज में, देखो जो करंट यहां आई वही यहां गई क्योंकि यहां कोई मुड़ने का चांस नहीं था. इसका मतलब है कि पहले करंट अगर हम फाइंड करते हैं तो यहां पे लिख देंगे करंट इन सर्किट, तो ये आ जाएगी आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कितना है आर प्लस टू आर, यानी कि आ गया ई अपॉन थ्री आर, ये करंट आ गई. सो वी डी एफ मतलब डी और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस सी पर आएगा ना, ये इसके पैरेलल है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या आएगा वी डी एफ कितना आएगा, सोचो, तो वी डी एफ बराबर होगा आई और इंटू उसका रेजिस्टेंस किसका डी एफ का, तो कितना आएगा बच्चों वी डी एफ आई थ्री आर और इंटू रेजिस्टेंस ऑफ डी एफ टू आर, आर से आर कैंसिल हुआ तो क्या आ गया टू बाई थ्री ई, ये ई एम एफ आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया डी और एफ के बीच का. सो चार्ज एट कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर होगा भाई,
तो ये चार्ज स्टोर होगा क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ई, तो सी इंटू वी कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसका पोटेंशियल डिफरेंस? डी एफ का, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। तो Q बराबर आ जाएगा C और इंटू डी एफ, डी एफ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया देखो, तो 2/3E, मतलब Q इक्वल टू आ गया 2/3E इंटू सी। ये Q2 मान लो, बाद वाला चार्ज Q2। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। इसका ये मतलब हुआ कि Q1 अपान Q2 कितना आ जाएगा, यही हमको निकालना है। Q1 कितना है देखो C, Q2 कितना आया 2/3CE, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 3:2। सो द रेशियो ऑफ Q1 इज टू Q2 इज 3:2। सो 3/2 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,